अब जब हमने कीवर्ड रिसर्च के बाद, ऑप्टिमाइजेशन के बाद, लिंक बिल्डिंग के बाद सब चीज़ें कर ली, तो SEO टेक्निकली यहाँ पर लोग समझते हैं कि ख़त्म हो जाती है। लिंक बिल्डिंग भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एक पेज की एक दफ़ा होती है। आपने जब पेज बना लिया, आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, जैसे ही वो ऑप्टिमाइज़ हो जाता है उसके बाद उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूँकि हमने बार बार जिक्र किया कि हमने कीवर्ड्स नए रिसर्च करते रहने हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करते रहना है और उस पर नया कंटेंट क्रिएट करते रहना है, तो नया कंटेंट करने का मतलब ही ये है कि आप एक नया पेज क्रिएट करेंगे, उसका एक नया URL बनेगा, उस URL के ऊपर कंटेंट आएगा, कंटेंट के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन होगी, कीवर्ड डेंसिटी होगी, मेटा टैग्स होंगे, टाइटल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हर पेज जब भी नया बनेगा उसकी ऑप्टिमाइजेशन होगी। सो इस तरह से ऑन पेज भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि आपको कंटिन्यू करते रहना है। अगर आप नहीं करेंगे, प्रॉब्लम फिर ये आएगी कि लोग समझते हैं यहाँ पर SEO ख़त्म हो जाएगी, लेकिन गूगल और लोगों को, दोनों को नया कंटेंट बहुत पसंद आता है। जब भी आप नया कंटेंट लिखते हैं, लोग जब आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को भी और गूगल को भी। सबसे ज़्यादा स्पेशली गूगल बड़ा पसंद करता है कि अगर आप कंटेंट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि बड़ा रेलिवेंट है आपकी ऑडियंस के साथ, गूगल आपको उसका बेनिफिट देता है और आपको ऊपर रैंक करता है। तो इस स्टेप में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जो है उसी कंटेंट को क्रिएट करते रहेंगे। तो अंडरस्टैंड करने की चीज़ ये है कि अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना बंद कर दिया तो क्या होगा। मसला ये है कि गूगल जब आपकी वेबसाइट पे आता है, वो देखता है कि कितना कंटेंट फ्रेश है। फ्रेश कंटेंट से मुराद ये है कि गूगल लास्ट टाइम जब आया था उसने क्या देखा, और जब दोबारा वो आएगा, वो चाहे कुछ घंटों बाद आए, वो चाहे कुछ दिनों बाद आए या कुछ हफ्तों बाद आए, उस बीच में नया कंटेंट कितना आया। अगर आपने कंटेंट नया नहीं डाला और गूगल जब वापस आया तो उसको वही सेम कंटेंट मिला और नया कुछ नहीं मिला, तो गूगल जब दोबारा वापस आएगा उसमें वो टाइम डिले कर देगा। ये टाइम डिले ऐसे सब बढ़ता चला जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि आपने बिल्कुल कंटेंट ऑप्टिमाइज़ किया या नहीं किया। तो होता ही है, जब आप कंटेंट ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जब भी गूगल आता है उसको नया कंटेंट मिलता है, उसको लगता है कि जी मैं लेट आया हूँ तो मुझे जल्दी आना चाहिए था ताकि मैं कंटेंट जल्दी इसको जो है इंडेक्स कर लेता। सो अगर गूगल को कंटेंट आपने बार बार जल्दी बुलाना है, उसको इंडेक्स करवाना है, तो आप बार बार नया कंटेंट क्रिएट करेंगे। इससे ये होगा कि गूगल आपको क्रेडिबल समझेगा, क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है रैंकिंग के ऊपर। गूगल समझेगा कि ये एक अच्छी वेबसाइट है जो बार बार अपडेट कर रही है खुद को, और अपडेट करने से मुराद है कि नया कंटेंट ऐड कर रहे हैं और अपने लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि कंटेंट अल्टीमेटली लोगों के लिए होता है और लोगों को जब बेनिफिट होता है गूगल आपको उसका बेनिफिट देता है। तो आप उसको कंटेंट को क्रिएट करते चले जाएँ डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरह से अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप की है। अब ये SEO में डायरेक्टली इसलिए इम्पैक्ट करता है कि जब आप नया कंटेंट क्रिएट करेंगे आपको नए कीवर्ड्स ऐड करने का मौका मिलेगा, आपको नए कीवर्ड के साथ नई कीवर्ड पर रैंक करने का मौका मिलेगा, आपकी ऑडियंस डाइवर्सिफाई हो जाएगी, आप कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो रैंक कर रहे थे जहाँ कंपटीशन भी आपको फेस करना पड़ रहा था, आप जब दूसरे कीवर्ड्स में जाएंगे शायद उसमें कंपटीशन भी कम हो और वो आपका कंपेटिटर आप उसको जो है ब्रीदिंग रूम नहीं देंगे। ब्रीदिंग रूम से मुराद ये कि जब आप इतना कंटेंट क्रिएट कर दें कि आपका कंपटीशन आपको फॉलो ही ना कर सके, आपको मैच ही ना कर सके, तो आप उसको आउट रैंक कर देंगे। हर तरह के कीवर्ड्स के ऊपर आपके URL रैंक कर रहा होगा, और ना सिर्फ एक बल्कि जब आप इतना कंटेंट क्रिएट करेंगे तो अक्सर ये भी होता है कि एक सर्च क्वेरी के ऊपर मल्टीपल URL रैंक कर रहे होते हैं। तो आपका एक नंबर 1 पे है, एक नंबर 5 पे है, एक नंबर 8 पे है, इस तरह करते करते आप एक ही पेज पे 2-3 जगह 4 जगह स्पॉट्स ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंटेंट किस तरह से और किस मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी से क्रिएट हो रहा है और क्या क्या आपने डायमेंशन उसमें क्रिएट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब बेसिकली गूगल और लोगों के लिए आप नया कंटेंट क्रिएट करते हैं। बल्कि गूगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप सिर्फ ये समझें कि आपने लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, गूगल ऑटोमेटिकली आपको उसका रिवॉर्ड करेगा। सो इन शॉर्ट, अगर आपने ग्रो करना है अपनी SEO को, तो कुछ पेजेस के ऊपर रिलाय करने की बजाय मेक श्योर करें कि नए पेजेस क्रिएट करते रहें और अपनी एक कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरी डेवलप करें, क्योंकि ये आपके SEO के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगी।